फिर शुरू हुआ लॉकडाउन का सिलसिला। एक बार फिर चाइना ने लगाया लॉकडाउन। चीन ने 90 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर चांगचून में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। चांगचून शहर में कोरोना के सिर्फ 2 मामले मिले हैं। इसके बावजूद 90 लाख लोगों को घरों में कैद करने का फैसला चीन के सख्ती के स्तर को दिखाता है। प्रशासन ने लोगों से कहा कि केवल अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इस बीच सरकारी टीमों ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग भी शुरू की है। संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। चीन ने राजधानी बीजिंग समेत कई दूसरे बड़े शहरों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान चांगचून शहर के निवासियों को घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की सामूहिक जांच से गुजरना होगा। वहीं सभी गैर आवश्यक व्यवसायों को बंद कर दिया गया है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। चीन को डर है कि इस शहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो देश से बाकी हिस्सों में भी कोरोना फैलने का खतरा बना रहेगा। चीन ने शुक्रवार को देश भर में स्थानीय ट्रांसमिशन के 397 नए मामले आए थे। इसमें से 98 मामले जुलिन प्रांत से मिले थे। चांगचून शहर के भीतर केवल 2 मामले सामने आए। हालांकि अधिकारियों ने महामारी के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की चीन की नीति के तहत एक या अधिक मामले वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का संकल्प लिया है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से उसकी वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। जिस जिस देश में चीन की कोरोना वैक्सीन लगाई गई है वहाँ कोरोना के मामले पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। डेटा से पता चलता है कि चीन वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने से प्रभावित साबित नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी देश में कोरोना के मामले इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो देश अपने नागरिकों को कौन सी वैक्सीन लगवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।